क्या राहु की महादशा आपकी कुंडली में शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है? अगर राहु की शुभ स्थिति कुंडली में बनी हुई है तो राहु के महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, या अगर राहु के कुंडली में अशुभ स्थिति बनी हुई है तो आपको इस महादशा के दौरान किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी? जिनके लिए अशुभ परिणाम है वह क्या करें? इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 9 ग्रहों में से राहु ग्रह को एक छाया ग्रह माना जाता है। यह अगर व्यक्ति की कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजमान होता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणामों से जूझना पड़ता है। इस ग्रह से लोग अत्यंत भयभीत भी रहते हैं, क्योंकि जिंदगी में आने वाली अनेक प्रकार की परेशानियों को राहु ग्रह जन्म देता है। अगर कुंडली में इनकी अशुभ अवस्था होती है तो यह व्यक्ति के जीवन को नरक बना देते हैं। उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर राहु कुंडली में शुभ अवस्था में होते हैं तो यह व्यक्ति को अनेक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति भी कराते हैं और व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अचानक से लाभ प्राप्त करता है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर जब व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा शुरू होती है तो व्यक्ति किस प्रकार से प्रभावित रहता है? अगर कुंडली में राहु शुभ अवस्था में होते हैं या अशुभ अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जब राहु की महादशा शुरू होती है और वह अगर अशुभ भाव में बैठे हैं या कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है तो ऐसा व्यक्ति इस समय दौरान जब राहु की दशा उस व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो वह किस प्रकार के परेशानियों से जूझता है, वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करने लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि राहु की जो महादशा चलती है वह 18 साल की होती है। 18 साल व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा आती है। राहु की नकारात्मक स्थिति कुंडली में बनी है तो इस बीच में अच्छे से अच्छे व्यक्ति का जीवन भी नरक समान बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी सातवें आसमान पर रहता है तो कभी एकदम शून्य हो जाता है। खुद को बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति खुद मूर्खतापूर्ण वाले काम करता है, क्योंकि यह व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा में कमी आनी शुरू हो जाएगी, जबकि उसका कोई जायज कारण नहीं होगा। इसे वह व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर यह हो क्या रहा है। ऐसे व्यक्ति का विवेक, तेज और धन ऐसे कामों में नष्ट होता है जैसे गलत काम हो, जुआ, ड्रग्स, शराब या कोई भी अनैतिक कार्य। इन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों का धन और विवेक खर्च होने लगता है। व्यक्ति का झुकाव ऐसे कामों की ओर बढ़ जाता है। वह न चाहते हुए भी इन क्षेत्रों में घुसता चले जाता है। राहु की कुंडली में खराब स्थिति व्यक्ति के प्राणों को तक संकट में डाल देते हैं। हालांकि अगर और ग्रहों की भी इसमें खराब स्थिति बनी है, हमारे अष्टम भाव आयु भाव में यह खराब स्थिति बनी है तो यह मृत्यु कारक भी बन सकता है। ऐसे व्यक्तियों को खुद पर विश्वास ही नहीं हो पाता है। अशुभ राहु व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर देता है। राहु की महादशा में व्यक्ति के सिर पर चोट लगना, मिथ्या आरोप, पागलपन, जेल यात्रा, हमेशा दूसरों पर शंका करते रहना, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति कल्पना में जीता है। वह कुछ न कुछ ऐसा सोचते रहेगा जो उसके असल जीवन में नहीं होगा। राहु की महादशा में अगर कुंडली में अशुभ अवस्था में राहु विराजमान होता है तो व्यक्ति को इतना ज्यादा संघर्ष देता है कि वह व्यक्ति टूट जाता है। तो यह जब अगर राहु कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजमान है
और राहु की महादशा शुरू हो जाती है। तो इस महादशा के दौरान व्यक्ति इसी प्रकार की परेशानियों से जूझता है। और वहीं अगर कुंडली में शुभ अवस्था में राहु विराजमान होते हैं तो उनमें परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वह व्यक्ति को अपनी महादशा के दौरान बहुत कुछ दे भी जाते हैं। कुंडली में शुभ भाव पर शुभ अवस्था में अगर राहु विराजमान है तो व्यक्ति को संघर्ष तो कराएगा, लेकिन अपने लक्ष्य और सही रास्ते से नहीं भटकाता है। राहु के महादशा में व्यक्ति इतना ज्यादा निखर जाता है अपने संघर्षों से कि वह हीरा बनकर निकलता है। कुंडली में शुभ स्थिति में राहु होने की वजह से ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी अच्छी पदों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति लीडर बन जाता है। उसने जिस लक्ष्य के बारे में सोचा है वह लक्ष्य उसे जरूर प्राप्त होता है। राहु की महादशा में अचानक से धन लाभ की स्थिति भी बनती है, चाहे वो किसी तरह से भी बने। और राहु की दशा जाते जाते व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाती है। तो यह राहु के कुंडली में शुभ और अशुभ स्थितियों के महादशा में परिणाम थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर राहु की कुंडली में खराब स्थिति बनी है और उनकी महादशा शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए जिससे उस महादशा में उसके प्रभावों से हम बच सकते हैं। अगर ऐसा कभी भी होता है कुंडली में राहु की खराब स्थिति बनी है और उनकी महादशा शुरू हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को भूरी चीजों का दान करना चाहिए। इसके अलावा राहु के महादशा के दौरान व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जरूरी बन जाता है। राहु की महादशा से बचने के लिए शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। आप शमी के पेड़ की पूजा कर भी राहु शनि केतु मंगल के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। इसके अलावा राहु की खराब स्थिति जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बनी है ऐसे व्यक्तियों को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। शिव में जल अर्पित करें, भगवान हनुमान की उपासना करें, शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और इस समय दौरान व्यक्ति को राहु के बीज मंत्र का 108 बार जाप नित्य करना चाहिए। इससे जो राहु की महादशा के बुरे परिणाम प्राप्त होने हैं उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो यह था राहु के महादशा में शुभ और अशुभ परिणाम। और जिन व्यक्तियों के लिए यह अशुभ अवस्था बन जाती है तो उस व्यक्ति को इस दौरान क्या उपाय करने चाहिए, इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।